अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल की एंड रेमेडी विद केयर। गाइस, मैं आज आपको जो टिप देने वाली हूँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा लो बजट में होने वाली है। ये जो मोबाइल का कवर है मोस्टली ये पीला हो जाता है और समटाइम तो हम इसको फेंक भी देते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा फायदार कवर होते हैं जो हम वॉश भी कर सकते हैं और जिनको आसानी से रख भी सकते हैं। तो मैं आज इनको जो है करामत बनाने का आपको एक तरीका बताऊंगी। आपको मेरे हाथ पे थोड़ा सा ग्लिटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वो ग्लिटर है जो हम इस पर यूज़ करेंगे। और हम जो पोस्टर कलर है हमारे पास पुराने से पुराने रखे हुए हैं, हम आज उससे जो है इस अच्छा सा कवर बनाना आपको बताएंगे। अभी जो है मेरे पास बहुत सारे जो कलर्स की डिस्को मौजूद हैं, आप लोग जो भी कलर की मौजूद हो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ टेप मौजूद हैं, कुछ स्टिकर मौजूद हैं और जो है पोस्टर कलर तो बहुत सारे हैं, पर वो जो है अभी यूज़ करने में देखते हैं कौन से कलर अच्छे चलते हैं, तो मैंने पहले ट्राई नहीं किया, पर मैं आप ही के सामने इसको यूज़ करूँगी कि कौन से कलर जो है यूज़ हो सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, मैंने टैप ले लिया है, इससे टैप से हम इसके पोर्शन कर लें कि हम किस कलर पे कौन सा कलर हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, मुझे सीजर की रिक्वायर्ड है तो ज़रा सा हम इसको कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। नो, ठीक है गाइस, इसके हमने जो है टू पोर्शन कर लिया, अब इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, मुझे तो मोस्टली बहुत ज़्यादा शौक है कवर बदलने का बार बार मोबाइल का, पर इतना मार्केट में तो इतना कॉस्टली होता है कि बंदा कितनी बार कवर लेगा। ठीक है गाइस, अब हमने इस तरह कर लिया है, अब मैं पोस्टर कलर निकालता हूँ। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर लिया है। ये जो कलर है रखे रखे जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, सीमेंट प्रोसेस में नॉर्मल वाटर यूज़ कर लिया है। ठीक है गाइस, और आपको जो कलर लेना हो आप वो कलर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैं इसके क्वेश्चन पे इसको उस तरह कलर करूँगा। गाइस देखिए, मैंने इसके अंदर जो है पोस्टर कलर कर दिया है, पर ये जो है अब मैं थोड़ा सा इसका सूखने का इंतज़ार करूँगी, इसके बाद मैं इस पर सेकेंड कोट जो है एक बार और अप्लाई करूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे 3 मिनट बाद। देखिए गाइस, एक कोट जो है वो सूख चुका है, फिर हम इस पर सेकेंड कोट जो है अप्लाई कर देते हैं। इसमें जो है पानी एड है, इसलिए ये थोड़ा ऐसा तरह हट रहा है। इसके बाद बिल्कुल फ्रेश पोस्टर कलर होंगे उनके पास जो है इस तरह ये हटेगा नहीं, पर यह है कि बहुत अच्छा, फिर भी हमारा कलर जो है डन हो चुका है, क्योंकि जो हमारी कोडिंग है वो जो है ये कवर चिकना होता है, इसलिए ये इस तरह होगा। अब हम इसको सूखने का वेट करेंगे और अब इसके बाद हम इस पर ग्लिटर यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, जो हमारा पोस्टर कलर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अब हम इस पर जो है ग्लिटर अप्लाई करेंगे। ये गीला है, ठीक है, सेकंड कोटिंग, अगर गीले पर हम अपनी जो ये ग्लिटर है यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये जो हमारी ग्लिटर है वो बिल्कुल रफ हो जाएगी और वो जब हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो हटती रहेगी। ठीक है गाइस, और ये वाले जो कवर पर मैं है स्टिकर अप्लाई नहीं कर रही, इधर ज़्यादा हो गई है तो कोई बात नहीं, ब्रश से जो है मश कर लूँगी इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ब्रश का यूज़ करते हैं, सिंपल ब्रश है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ी सी गोल्डन जो है ग्लिटर डाल दूँगी और थोड़ी और जो है मैं पहले मैंने जो है रेड अप्लाई करी है, अब मैं जो है इसमें मैरून कलर की अप्लाई कर दूँगी। ये तो पूरा ही ओपन हो गया, इसको ओपन कर देते हैं। अब जो है हम टेप को और लगाएंगे और फिर हम उसकी कलरिंग आपको दिखाएंगे। गाइस देखिए, इधर मैंने जो है टू पोर्शन कर लिए हैं, अगर आपको दिल नहीं चाहे तो आप ये टू पोर्शन नहीं करिएगा। आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा मैंने टैपिंग क्यों किया, और जिसको नहीं आया होगा तो लास्ट में देख लेगा कि मैंने ये क्यों किया है ऐसा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ब्रश और हम ब्रश से इसको मैच करते हैं। गाइस देखिए, हमने जो ट्यूब है रेड कलर को इस पर अप्लाई कर लिया था, अब जो है हम इस पर रेड कलर का जो है पोस्टर कलर फेरेंगे ताकि इस पर से शाइनिंग आए और फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली गाइस, ये जो कलर है वो थोड़ा सा गीला है अभी, तो इसलिए मेरे जो हाथ है उस पर सही बैठ नहीं रहा, तो अब मैं ये जो है रेड कलर डाल के फौरन इस पर ग्लिटर डालूंगी हैंड टू हैंड, क्योंकि जो एक जो कोडिंग है वो हो चुकी है इसमें। ठीक है, सब हम इस पर ग्लिटर अप्लाई करते हैं। ये जो है क्रिस्टल वाली ग्लिटर है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन करेंगे वो हम करेंगे इसके साथ ग्रीन कलर का, और आपको जो भी ग्लिटर पसंद हो आप वो कर सकते हैं, और अगर आपको ग्लिटर पसंद नहीं तो आप स्पीकर अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं जो है इस वक्त शाइनिंग वाला बना रही हूँ ग्लास वाला, तो ये जो है ग्लिटर हम इससे अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर का डाल देते हैं, जब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी ना आपको तब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। गाइस, जो हमारी पेंटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। देखिए गाइस, ये जो कवर है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब जो मैं टेप जो मैंने लगाया था, अब इस टेप को हटाने का वक्त आ गया है। देखिए गाइस, ब्यूटीफुल सा कवर जो है तैयार हो चुका है।
और ये वो कवर था जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। अब आप इसको देखें, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आसानी से बन चुका है। ये देखिए, आई होप आपको ये जो टिप है पसंद आई होगी। अगर टिप पसंद आई तो टिप एंड रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस कवर को लेके आएगी। ये देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कवर है। ये देखिए, देख सकते हैं आप इसको, जो है मैं आपको दूसरे स्टाइल का बनाना बताऊँगी। अगर आपको ये कवर वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।